नमस्कार, न्यूज स्टेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शुभम त्रिपाठी। हमारे खास कार्यक्रम धर्मराज में आपका स्वागत है। तो शुरू करते हैं धर्मराज। सनातन संस्कृति युगो युगो से धर्म का संदेश देती आई है। सांसारिक मोहमाया से आगे विरक्ति का पथ प्रदर्शित करती रही है, लेकिन बदलते हुए वक्त में, बदलते हुए समाज में, क्या सनातन संस्कृति से ऊपर धर्म और क्या धर्म सत्ता को साधने का माध्यम बन गया है? बीते 3 दशक में देश की राजनीति तेजी से बदली है और धर्म की परिभाषा भी। दूसरे शब्दों में कहें तो राजधर्म को धर्म के समानांतर लाकर खड़ा कर दिया गया है। न्यूज स्टेट का मेगा शो धर्मराज धर्म चक्र की ऐसी ही अनसुलझी गुत्थियों को सुलझाएगा, बताएगा राजनीति की राह में धर्म इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। और आज बारी मथुरा की। नित्यं चरेत पुण्यम् राहुग्रस्ते दिवाकरे तत्फलं लभते देवी मथुरायां जितेन्द्रिया। कार्तिक्यां चैव्यत पुण्यम् पुष्करे च वसुंधरे तत्कलं लभते देवी मथुरायां दिने दिने। पूर्णे वर्ष सहस्त्रे तु वाराणस्यां तु यत्फलं तत्फलं लभते देवी मथुरायां क्षणेढि। वृंदावनम गोवर्धनम यमुना पुलनानि च। ब्रज की जो धरा है उसकी प्रमुखता श्री यमुना जी से, श्री गोवर्धन से और यमुना जी के पुलिन से है, जहां पर भगवान ने अपनी नित्य लीलाएं की हैं। ब्रज भूमि है, ये स्वयं में गोलोक है। यहाँ की हर चीज अजूबी है, फिर भी यहाँ पे आपको श्री राधा श्री कृष्ण की लीलाओं के कण कण में आपको समाहित होते देख सकते हैं। अयोध्या मथुरा माया काशी कांची अवंतिका पुरी द्वारा वती चैव सप्तैता मोक्षदायिका। धर्मनगरी मथुरा, भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा, सनातन संस्कृति की आस्था का केंद्र, जहां का हर रंग अनूठा है। मथुरा की गलियों से वृंदावन तक, गोकुल के गलियारों से बरसाना तक, हर रंग अलग, हर रंग जीवन के उत्सव में गुथा हुआ। वो शहर जहां भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की सत्ता के लिए अधर्म को उखाड़ फेंका, वो शहर जो धर्म के नाम पर सत्ता का रास्ता बनाने वाली सियासत का केंद्र बन गया है। शिखर पर लहराती धर्म की ध्वजा, आस्था में डूबे श्रद्धालु, कृपालु, योगी, जोगी, साधु, संत और महात्मा परमात्मा की खोज में। कल कल बहती घाटों को छूती यमुना की धारा और धारा में अनंत आस्था का प्रवाह। और मंदिर के घंटे घड़ियालों के नांद में गूंजते राधे राधे के स्वर। ये मथुरा है भगवान कृष्ण की नगरी, बांके बिहारी का धाम, द्वारकाधीश की जन्मभूमि। वो भूमि जहां कृष्ण कन्हैया ने रास रचाया, लीला दिखाई, धर्म की सत्ता स्थापित की।
इस ब्रज में प्रयाग भी है, बद्रीनाथ भी है, केदार भी है, द्वारका भी है, रामेश्वर भी है, जगन्नाथ है, सारे तीर्थ इस ब्रज में हैं। कहते हैं धर्मनगरी मथुरा तीनों जग से न्यारी है, सप्तपुरियों में से एक है। पानी खारा है, फलदार वृक्ष नहीं है, फिर भी भक्ति भाव से यहाँ लोग ओसपोत रहते हैं, क्या यह कम है? आप यहाँ से अन्यान तीर्थ पे जाइए, वहाँ का वातावरण में आवाजें आएंगी, यहाँ आप यदि बैठ जाते हैं तो बाजू से आपके कार का प्रतिध्वनि भी निकलता, फिर भी मालूम नहीं पड़ता है। मनुस्मृति, महाभारत, ब्रह्म वैवृत पुराण, वाराह पुराण, बृहद संहिता, अग्नि पुराण, हरिवंश पुराण में मथुरा का जिक्र मिलता है। हमारे जो ब्रह्म है वो व्यापक हैं, तो उनकी जो क्रीड़ा स्थली है वो भी बड़ी व्यापक है। काश्यात्यो यद्यपि संति पुर्यस्तासाम हु मध्ये मथुरैव धन्या ताम पुरी प्राप्त मथुराम दियाम सुर दुर्लभाम। पद्म पुराण के इस श्लोक के अनुसार मथुरा सप्तपुरियों में सर्वोपरि है, धन्य है मथुरा, मथुरा जो देवताओं के लिए दुर्लभ है। गर्ग संहिता में मथुरा को पुरियों की रानी कहा गया, पुरियों की रानी कृष्णापुरी। श्रीमद् भागवत में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की जो कथा आती है, जिसमें यहाँ पे भक्ति जवान हो जाती है और ज्ञान और वैराग्य वृद्ध हो जाते हैं, मतलब यहाँ पे ज्ञान और वैराग्य से परे भक्ति है, और परे भक्ति को लाने के लिए कृष्ण ने यहाँ पे लीलाएं की हैं। ये मथुरा ही है जहाँ आस्था की तमाम धाराएं आकर समा जाती हैं, और ये मथुरा ही है जो कर्म का पाठ पढ़ाता है, धर्म का रास्ता दिखाता है, ये मथुरा ही है जो प्रेम का संदेश देता है। ये प्रेम की भूमि है, यहां श्री किशोरी जी के साथ मिलकर के भगवान ने अनेक असुरों का तो वध किया ही अपने सखाओं के साथ, लेकिन यहाँ की जो विशेष लीला हुई वो रास क्रीड़ा है, जिस क्रीड़ा के लिए सुखदेव जी महाराज भागवत जी में कहते हैं कि ये जीव के और शिव के मिलन की लीला है। मथुरा जिसका ऐतिहासिक महत्व है, पौराणिक महत्व है, आध्यात्मिक महत्व है, और उसी मथुरा से नया संदेश निकल रहा है, ये संदेश है धर्म का नहीं राजनीति के धर्म का। देखो हम शुद्ध ब्रजवासी हैं, संतों का आशीर्वाद हमारे साथ है और मंदिर बनना सुनिश्चित हो गया है। ये हिंदू अस्मिता का मुद्दा है, ये मुद्दा है हमारी अस्मिता का है, ये मुद्दा है हमारी सनातन संस्कृति, हमारे आराध्य का है। धर्म की रक्षक सरकार जब बनेगी तभी इन सब स्थानों का निर्माण हो सकता है, इन सब का सौंदर्यकरण हो सकता है। जब तक ये लोग सत्ता में नहीं रहेंगे तो करेंगे कहां से। तो बीते कुछ वक्त में मथुरा की फिजा तेजी से बदली है, पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व वाली नगरी मथुरा राजनीति के पटल पर महत्वपूर्ण हो चली है। जब विवाद नहीं तो मंदिर बन जाना चाहिए। तो अब ये गुलामी की जंजीरों को तो तोड़ा जाएगा, और समय आ चुका है, समय आ चुका है, और समय का बदलाव है। राम जन्मभूमि का राम मंदिर बनाए, इसी तरीके से हम जो ब्रजवासी हैं या मथुरावासी हैं वो चाहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण का भी भव्य मंदिर बने। पर कुछ नहीं है, खाली गाल बजाने वाली बात है। अच्छा। हाँ। वहाँ पे कृष्ण जन्मभूमि पुनः जैसा स्वरूप पूर्व में रहा होगा वैसा पुनः होना चाहिए, स्थापित होना चाहिए। मथुरा के धरातल से जो आवाज उठ रही है वो जज्बातों का ज्वार ला रही है, मथुरा पर विवादों की धुंद छा रही है। क्या ये हिंदुओं के ठेकेदार हैं? मैं भी हिंदू हूँ, मैंने भी राम मंदिर के लिए चंदा दिया है। क्या ठेका सारा भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ की कृष्ण जन्मभूमि का ले रखा है या राम मंदिर का ले रखा है? हर बयान में मथुरा है या फिर मथुरा को केंद्र बनाकर राजनीति हो रही है, उस मथुरा को जिसका इतिहास राजनीति से शुरू होता है और धर्म पर खत्म, वो मथुरा जहाँ स्थापित अधर्म की सत्ता को हटाने के लिए भगवान स्वयं आए थे और धर्म की सत्ता की नींव रखी थी, वो मथुरा जो अब बयानों के अंधड़ में धूल धूसरित हो रही है। इस तरह से अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है, काशी में जिस तरह से आप देख रहे हैं दिव्यता के साथ वहां, तो ये जो प्रमुख स्थान है इनको दिव्यता भव्यता देना ही हमारी प्रतिबद्धता है। वर्षों तक विवाद के साए में झुलसी भगवान राम की नगरी अयोध्या के लिए
5 अगस्त 2020 की तारीख विकास की नई सुबह लेकर आई, लेकिन ये तारीख मथुरा के लिए विवादों का नया अध्याय खोल गई। अयोध्या में राम मंदिर का काम शुरू हो गया ना, सभी लोग खुश हैं, सभी लोग दोनों, अगर आप खुश हैं दोनों हाथ उठा करके बोलिए, अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर निर्माण से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा। मथुरा जिसकी संस्कृति का मूल प्रेम है, वो मथुरा जो अपने आराध्य की मस्ती में मगन है, वो मथुरा जो कुछ सुन रही है, जो कुछ देख रही है, वो धर्म के पटल पर करवट लेते विचारों का अंधड़ नहीं है, धर्म से होकर गुजरने वाली राजनीति का विस्तार है। और काट काट की जो हाड़ी होती है वो एक ही बार चढ़ती है, वो इनकी चढ़ चुकी है। तो मैं समझता हूं कि ये चीजें इनका जो है ये चलने वाला नहीं है। बहुत ही भव्य मंदिर है, बहुत ही भव्य मस्जिद है, दोनों की दीवारें ऐसे जुड़ी हुई हैं जैसे मथुरा में हिंदू और मुसलमानों के दिल जुड़े हुए हैं। तो सवाल है, क्या मथुरा आने वाले चुनाव का केंद्र बिंदु है? क्या मथुरा का धार्मिक महत्व राजनीति के लिए महत्वपूर्ण है? और क्या मथुरा और ब्रज क्षेत्र की धार्मिक भावनाओं पर सियासी बयानबाजी का कुछ असर भी है? देखिए, फर्क तो पड़ेगा, क्योंकि देखिए इसमें ऑफकोर्स बीजेपी का वोट बैंक इसमें बढ़ेगा, क्योंकि मंदिर, क्योंकि हिंदू लोग हैं, हिंदुओं का जो वोट बैंक है वो बीजेपी की तरफ जाएगा। उनका कहना हुआ, बात में उनके दम है, सत्यता भी है कि जैसे हमने अयोध्या का काम कर लिया, बनारस का काम कर लिया, ऐसे हम कृष्ण जन्मभूमि का भी काम करेंगे। हिंदू भारतीय जनता पार्टी पर, नरेंद्र मोदी जी पर और महंत योगी आदित्यनाथ जी पर पूरा ट्रस्ट और विश्वास करता है कि उन्होंने करके दिखाया है और करके दिखाएंगे। एक तरफ ये तो प्रमाणिक है कि वो हमारे कृष्ण की जन्मभूमि, लेकिन क्या उस मस्जिद की कोई प्रमाणिकता है? मथुरा केंद्रित राजनीति का आने वाले चुनाव पर कुछ ना कुछ असर जरूर होगा। हाँ, सत्ता किसे मिलती है और किसे नहीं, ये सवाल जरूर है। और एक सवाल ये भी, क्या धर्म के आसरे हो रही राजनीति में सिर्फ कृष्ण जन्मभूमि है या फिर संपूर्ण मथुरा? यूं तो धर्म नगरी मथुरा में विवाद कृष्ण जन्मभूमि की 13.37 एकड़ जमीन का है, लेकिन इसके साये में पूरी धर्म नगरी है। मथुरा में हुए विकास कार्य, मथुरा की समस्याएं सब सियासत के केंद्र में हैं। 2017 के बाद से मथुरा में काफी कुछ बदला है, मथुरा ने काफी कुछ देखा है। जन्माष्टमी की धूम देखी है, वैष्णव कुंभ का आयोजन देखा है, विकास की रफ्तार देखी है और राजनीति की भी। 2017 से लेके आज तक लगातार ब्रज का चौमुखी विकास हमारी प्रतिबद्धता रही और हमने करके दिखाया, जो कहा वो भी किया और जो नहीं कहा उससे कहीं ज्यादा किया। सबसे पहले देखिए मथुरा में क्या विकास कार्य हुए हैं। बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए 1165 करोड़ खर्च किए गए, 1,38,000 घरों को बिजली कनेक्शन दिए गए, 13 नए सब स्टेशन, 31 की क्षमता में वृद्धि, 236 किलोमीटर क्षेत्र में अंडरग्राउंड केबलिंग, खारे पानी से निजात के लिए 176 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन दी गई, परियोजना से 70,000 परिवारों को लाभ मिला। इसके अलावा यमुना के घाट पार्कों का सौंदर्यीकरण करवाया गया, जिससे मथुरा में दिव्य और भव्य वैष्णव कुंभ का आयोजन किया जा सका। प्रयास तो हो रहे हैं विकास के लिए जी, लेकिन ये है कि और प्रयास हो जाए तो और अच्छा रहेगा। हाँ। 84 कोस परिक्रमा परिक्षेत्र का सौंदर्यीकरण किया गया, 22 कुंज गलियों और कृष्ण जन्म स्थान को जाने वाले मार्गों का विकास किया गया, 23.5 करोड़ रुपए की लागत से श्री कृष्ण जन्मभूमि में रासलीला मंच, कृष्ण लीला के डिजिटल मंचन, पार्क के सौंदर्यीकरण, प्रमुख मार्गों का निर्माण हो रहा है।
बीते साल फरवरी में सीएम योगी आदित्यनाथ ने मथुरा को 411 करोड़ रुपए की योजनाओं की सौगात दी थी। यहाँ हाईवे बन चुका है, सर्विस रोड परिक्रमा मार्ग में बन रही है। मुख्य फोकस यह है किसी तरह से बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं को यहाँ परेशानी नहीं हो। नहीं, हम योगी सरकार से पूरी तरह से संतुष्ट हैं सभी लोग। कुल मिलाकर कहें मथुरा विकास के पथ पर तेजी से आगे बढ़ा है, लेकिन विकास की ये रफ्तार मथुरा पर जारी राजनीति से कहीं कम है और मथुरा में बहने वाली यमुना की धारा की रफ्तार भी। ये बात और है कि यमुना का सवाल मथुरा से कहीं बड़ा है। टीम न्यूज स्टेट। तो कुल मिलाकर कहें तो मथुरा सियासत का केंद्र बन गया है। मथुरा में हुआ विकास भी, मथुरा की समस्याएं भी, और मथुरा का धार्मिक महत्व राजनीति के लिए कुछ ज्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया है।